नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता, फाउंडर ऑफ न्यूज सोर्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं न्यूज सोर्स के इस इन्फॉर्मेटिव शो में। और क्योंकि टीम न्यूज सोर्स प्रतिबद्ध है आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 52 हफ्ते 52 स्किल सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। मैंने और मेरी टीम ने आइडेंटिफाई की हैं 52 स्किल सेट्स, और आज इस ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपको अपना स्टार्टअप या बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो ये 52 स्किल सेट्स आप में होनी ही चाहिए। दोस्तों, हर संडे इसी समय हम किसी एक स्किल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो स्किल सेट कैसे एक्वायर की जा सकती है, और ये भी जानेंगे कि कैसे आप इसे अपने बिजनेस या स्टार्टअप में क्रिएटिविटी के साथ इम्प्लीमेंट करके 10x ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने और मेरी टीम ने अब तक 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और पाया है कि स्किल सेट एंड क्रिएटिविटी की कमी ही वो एक इकलौता ओनली वन सिंगल रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टार्टअप या बिजनेस फेल हो जाते हैं। पर आप में से कुछ लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे कि केवल यही वजह नहीं है, और भी बहुत सी वजह हैं। हमने गूगल करके देखा है, स्टार्टअप के फेल होने की वजह फंडिंग का ना मिलना, सही आइडिया का चुनाव ना कर पाना, अच्छी टीम का ना मिलना, बिजनेस करने की समझ ना होना, बाजार में कंपटीशन का होना, बाजार में मंदी का होना, इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों ऐसे बहानों की। हाँ दोस्तों, इन सबको मैं बहाने ही कहूँगा, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं फंडिंग की कमी की वजह से हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एग्जाम्पल है इसरो। सीमित संसाधन और कम पैसों में क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट के दम पर मंगल तक पहुंचना काबिले तारीफ है। दोस्तों, फंडिंग का बेस्ट सोर्स क्या है? यूट्यूब के वीडियोस एंड गूगल सर्च करके इन सोर्सेज की आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं, और उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी जान सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक बड़ी ऑडियंस के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर जाएं, तो आपका कस्टमर बेस ही आपका बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग है। लेकिन नहीं, आपको तो फंडिंग ही चाहिए, क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करनी, अपने अंदर नए स्किल सेट डेवलप नहीं करने, आपको बस कोई सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट या सर्विस कॉपी करनी है जिसमें कि कंपटीशन है, और ऐसे कंपटीशन को मात देने के लिए तो फिर फंडिंग चाहिए ही होगी। इसके अलावा दोस्तों, फंडिंग लेना इज़ अ फुल टाइम जॉब। हर सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना, उनको अप्रोच करना, नेटवर्क बिल्ड करना, फिर भी पता नहीं कि कितना समय लग जाएगा फंडिंग मिलने में। इतना समय और एनर्जी अगर आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस में लगा दें, तो शायद आप अपनी क्रिएटिविटी और स्किल सेट से कुछ ऐसा कर जाएं कि आपको फंडिंग की जरूरत ही ना पड़े। आज अगर आप सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को अपनाइए, क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट को यूज़ करिए, अपने अंदर नए स्किल सेट डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की मदद लीजिए, ऐसे में शायद आपको फंडिंग की जरूरत ही ना पड़े। आप लोग किसी फंडिंग एजेंसी या गवर्नमेंट हेल्प के भरोसे बैठने की बजाय अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट पर भी भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा क्योंकि ले लेते हैं दोस्तों, जो लोग आइडिया को स्टार्टअप फेल होने की वजह बताते हैं, तो आज की डेट में सबसे बड़ा आइडिया है किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ लो और उसे टेक्नोलॉजी की मदद से, क्रिएटिविटी की मदद से, स्किल सेट की मदद से ऑर्गेनाइज कर दो। और वैसे भी इंडिया में आइडियाज़ की कमी थोड़े ना है, कमी है तो विश्वास की। हालात ये है कि 2-4 लोगों ने भी ये कह दिया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो भी तो स्टार्टअप फेल हो जाता है। तीसरा क्योंकि ले लेते हैं दोस्तों, जो लोग अच्छी टीम के ना मिलने को वजह मानते हैं, तो टीम मंगल ग्रह से तो आएगी नहीं। आपको अपनी क्रिएटिविटी और स्किल सेट को यूज़ करके 3 ऐसे काम करने होंगे जिससे कि आपकी ये सोच बदल जाए। पहला, क्रिएट अ गुड ट्रेनिंग सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज, जिसमें 1x एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग हो।
दूसरा, हायर फ्रेशर्स एंड डेवलप देम एज पर योर बिजनेस नीड। दोस्तों, जब तक बहुत टेक्निकल जरूरी ना हो, एक्सपीरियंस एंड हाईली पेड स्टाफ को हायर ना करें, बल्कि फ्रेशर्स हायर करें और उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब प्रोफाइल एंड ट्रेनिंग दें। और तीसरा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना आसान बनाएं, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। चौथा क्योंकि ले लेते हैं दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें बिजनेस करने की समझ नहीं है, इस वजह से उनका स्टार्टअप फेल हो जाएगा, तो जब तक आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे नहीं, तब तक ये कैसे जानेंगे कि तैरना कैसे है। डरने की जरूरत नहीं है, ज्ञान आपको इंटरनेट पर बहुत मिलेगा, वो भी फ्री में, और फिर न्यूज सोर्स तो है ही आपके साथ, फिर डरना कैसा। पांचवा क्योंकि ले लीजिए दोस्तों, जो लोग कंपटीशन को ज़्यादा होने की वजह को फेल होने की वजह मानते हैं, उसे भी क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट के दम पर ही तो मात दी जा सकती है। इसके दम पे ही तो आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करके एज हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्योंकि ले लीजिए दोस्तों, जो लोग बाजार में मंदी होने को फेल होने की वजह मानते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा बिजनेस करने के तौर तरीके बदलने से हो रहा है। नए बिजनेस नए तरीके अपनाकर सफल हो रहे हैं और पुराने बिजनेस पुराने तरीकों पर चलते हुए फेल हो रहे हैं। एक असली बिजनेसमैन की पहचान भी तभी होती है जब सबकी जेबें ठंडी और बाजार में मंदी होती है। मंदी के इस बुरे दौर में सबसे ज़्यादा फायदा किसी को अगर होता है तो वो है स्टार्टअप। कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए यही सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि मंदी के दौरान जमे जमाए बिजनेस के पांव उखड़ने लगते हैं और नई नई समस्याएं जन्म लेने लगती हैं, जो कि एक स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में इस वक्त नए बिजनेस शुरू करने का सबसे अच्छा दौर है, बशर्ते कि नए तौर तरीके से किया जाए, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाए, क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट की मदद से आज के समय में स्टार्टअप को बहुत जल्दी ही इस्टेब्लिश किया जा सकता है। वो जमाने गए दोस्तों, जब बरसों लगा करते थे किसी बिजनेस को जमाने में। दोस्तों, हम लोगों में स्किल सेट एंड क्रिएटिविटी ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसने हम सभी लोगों को कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया है। किसी भी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये तो सिखाया ही नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने केवल एम्प्लॉयज़ ही तैयार किए हैं, वो भी ढंग से नहीं। इंडस्ट्री कहती है कि सिर्फ 5% लोग ही उनकी ज़रूरतों पर खरे उतरते हैं, और इस एजुकेशन सिस्टम ने एम्प्लॉयर तो बनाया ही नहीं। क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट एक्सपेरिमेंट से आती है, जिस पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का फोकस ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इंफॉर्मेटिव बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए हम लोग खुद में क्रिएटिविटी और स्किल सेट की कमी महसूस करते हैं, और इसे दूर करने के लिए किसी की मदद भी नहीं ले सकते, क्योंकि जिनकी आप मदद लेने जाएंगे वो मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं, वो भी सब इसी एजुकेशन सिस्टम की देन है। तो क्यों दोस्तों, अब तो आप तैयार हैं ना अपने अंदर वो सभी स्किल सेट डेवलप करने के लिए जिसके दम पर एक स्टार्टअप या बिजनेस सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यदि हाँ, तो हम इन स्किल सेट्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है सॉफ्ट स्किल। दोस्तों, ये आपके व्यक्तित्व के ऐसे गुण होते हैं जो आपको हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं। अब चाहे आप एक स्टडी कर रहे हों, कहीं जॉब कर रहे हों, या किसी स्टार्टअप आइडिया को मूर्त रूप देने की प्लानिंग कर रहे हों। दरअसल किसी भी काम को करने या कराने के लिए आपको किसी ना किसी तरह से लोगों से जुड़ने की जरूरत होती है, और जितनी सॉफ्ट स्किल अच्छी होगी उतना ही ये जुड़ाव बेहतर होगा और उतना ही आप सफल रहेंगे। ये ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आप स्टार्टअप या बिजनेस करें या ना करें, आप में होने ही चाहिए। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन स्किल सेट। ये स्किल सेट्स वो हैं जिनको डेवलप करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी वातावरण को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्किल सेट यानी कि आपके ऐसे गुण और ऐसे कौशल
जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आप अपने टाइम, एनर्जी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस आदि को एक साइंटिफिक और यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करके डिज़ायर रिजल्ट आसानी से हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है मैनेजमेंट स्किल की। आपके स्टार्टअप या बिजनेस के सफल होने और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी मैनेजमेंट स्किल का अच्छा होना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का एक ब्रिज भी है। एक खराब टीम को अगर अच्छा मैनेजमेंट मिल जाए तो जीत हासिल की जा सकती है, पर सही मैनेजमेंट के बिना अच्छी टीम को भी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी बात टीम गेम की आती है तो मैनेजमेंट ही सबसे अहम हो जाता है, ना कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर। ठीक इसी तरह से आपका बिजनेस आइडिया अच्छा हो सकता है, पर जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो बिना मैनेजमेंट स्किल सेट के ये संभव नहीं हो पाता। सबसे आखिरी यानी कि चौथी कैटेगरी है डिसीजन मेकिंग स्किल की। दोस्तों, किसी भी बिजनेस का भविष्य उसकी वर्तमान की डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक ऐसी स्किल सेट है जो अगर आपने सीख ली और समझ ली तो आप अपने बिजनेस और टीम को सही से मार्गदर्शन दे पाएंगे। नहीं तो आज आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन भी कल आपको किसी बड़े अवसर से वंचित भी कर सकता है। दोस्तों, चाहे आपका स्टार्टअप हो या फिर एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, डिसीजन मेकिंग स्किल की जरूरत आपको हर क्षेत्र में पड़ेगी। किसी भी बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन आपको रेगुलर बेसिस पर लेने होते हैं, ऐसे में गलती होने या देरी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा इस स्किल सेट की कमी की वजह से आपको भुगतना पड़ सकता है। ये सभी स्किल सेट एक्वायर कर लेने के बाद नेक्स्ट चैलेंज होता है इन स्किल सेट्स को क्रिएटिविटी के साथ इंप्लीमेंट करने का। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे क्रिएटिव लोग कुछ अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके पास क्रिएटिव ब्रेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के पास क्रिएटिविटी है, बस ज़रूरत है तो इसे जगाने की। एक्चुअली दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया है और वही हम करते जा रहे हैं, जो किसी एग्ज़ाम को पास करने तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टार्टअप या बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का कोई सिलेबस नहीं होता, इसलिए बिना क्रिएटिविटी के कॉपी पेस्ट करने से यहाँ काम नहीं चलने वाला। क्या है क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी केवल कोई चित्रकारी करना नहीं है, ना ही टिकटॉक के वीडियोस बनाने तक सीमित है, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस का मैटर है, एक्सपेरिमेंट का मैटर है, और क्योंकि हम फेल होने से डर जाते हैं इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहते। इस बात पर मुझे मिशन मंगल मूवी का एक डायलॉग याद आ जाता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब है करके देखो और उससे सीखो। बिना फेल हुए नासा नासा नहीं बन गया। हम अपने हर फेलियर की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानासा हो जाएंगे। मतलब कि जब तक हम हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमें खुद करके देखना ही होगा। आज तक कोई भी बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फेल होने से क्यों डरना? अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और ज़रूरी तो नहीं हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही हो। हर काम को करने से पहले अगर हम अपने आप से ये पूछना शुरू कर दें कि क्या ये काम किसी और तरीके से भी किया जा सकता है ताकि पैसे और समय की बचत हो सके, तो हमारी क्रिएटिव सोच अपने आप ही जागने लगेगी। ऐसे में हम अपनी स्किल सेट का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी सोचेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके हम कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, कुछ ऐसा जिससे कि आपका बिजनेस या स्टार्टअप दूसरों से बेहतर दिखे। दोस्तों, चाहे आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हों या बिजनेसमैन, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे। जरूरी नहीं कि ये आइडियाज़ किसी स्टार्टअप या नए बिजनेस को लेकर ही हों,
बल्कि एग्जिस्टिंग स्टार्टअप या बिजनेस में अपने प्रोडक्ट पैकेजेस या सॉल्यूशन को लेकर भी हो सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि मार्केट में आइडिया नहीं बेचा जा सकता, उसे किसी ना किसी प्रोडक्ट पैकेज या सॉल्यूशन के रूप में ही मार्केट में उतारा जा सकता है और बेचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आइडिया को प्रोडक्ट पैकेज या सॉल्यूशन में प्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक बिजनेस या स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास ये स्किल सेट होनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो आइडिया है उसके प्रॉस्पेक्ट बायर कौन लोग हैं और हमारे बिजनेस मॉडल में वो किस स्टेज पर हमारे पास बाय करने आएंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको पहले न्यू एज सेल्स मेथड समझना होगा, तब आप अपने आइडिया को प्रोडक्ट पैकेज या सॉल्यूशन के रूप में बदल पाएंगे। न्यू एज सेल्स मेथड को 4-स्टेप प्रोसेस में बांटा जाता है। पहला स्टेप है न्यू कस्टमर एक्विजिशन। किसी भी नए बिजनेस के लिए न्यू कस्टमर को एक्वायर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा कस्टमर बेस बना पाएं, वो भी कम कॉस्ट पर। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना और लॉन्च करना होगा जो आपके लिए कॉस्ट कम करे और कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। आज का स्मार्ट बायर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जानता है, इसलिए अगर उसे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो वो आपके प्रोडक्ट पैकेज या सर्विस को हाथों हाथ लेगा और इससे आप सेम या कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का एक्विजिशन आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड द फ्यूचर नीड ऑफ एक्वायर कस्टमर। एक बार जब आप न्यू कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं तो आपको एक्वायर किए हुए कस्टमर के डेटा को सेग्रीगेट करना होगा, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी, उनकी आगे की ज़रूरतों को समझना होगा, उनके बाइंग बिहेवियर और पैटर्न को भी अच्छे से जानना होगा। दोस्तों, तीसरा स्टेप है डेवलप द प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर रिपीट सेल। सेकेंड स्टेप में जुटाए गए डेटा के बेस पर अब आपको ऐसे लोगों के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट डेवलप करने होंगे जिनमें आप अपना अच्छा मार्जिन रख सकें, ताकि एक दिन ऐसा आए कि आपको न्यू कस्टमर एक्वायर करने की ज़रूरत बहुत ही कम हो जाए। आप जितना भी बिजनेस करना चाहते हैं वो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की नीड को ही फुलफिल करके कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करना न्यू कस्टमर को सेल करने के मुकाबले में हमेशा ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, फोर्थ स्टेप है क्रिएट कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम टू जेनरेट रियल वैल्यू ऑफ क्लाइंट। आपको इस स्टेप में ये पता करना होगा कि एक कस्टमर की आपके साथ लाइफ कितनी है और अपने लाइफ टाइम में वो आपको कितनी सेल दे सकता है। अब हर एक कस्टमर से वो सेल अर्न करने के लिए आपको कस्टमर को एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसलिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके कस्टमर को पूरी तरह से एजुकेट कर दे, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि इस एजुकेशन से सेल होगी या नहीं। कस्टमर की रियल वैल्यू निकालने और अर्न करने में उतना ही फर्क है दोस्तों जितना कि किसी रास्ते को जानने में और उस पर चलने में है। इस तरीके की सेल लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही की जा सकती है और इसका फायदा आपको लॉन्ग रन में ही हो सकता है। न्यू एज सेल्स मेथड के 4 स्टेप को समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने स्टार्टअप या बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट पैकेजेस या सर्विसेज डेवलप नहीं करनी। जितने कम प्रोडक्ट पैकेज सर्विस होंगी उतना ही आसान होगा बड़ा बिजनेस मॉडल डेवलप करना, क्योंकि ऐसे में प्रोसेस डिफाइन करना आसान हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना भी आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से आइडियाज से प्रोडक्ट पैकेजेस या सर्विसेज डेवलप करना पूरी तरह से सही नहीं होगा, बल्कि न्यू एज सेल्स मेथड के हिसाब से प्रोडक्ट पैकेजेस या सर्विसेज डेवलप करने के लिए हमें अपने ब्रॉड आइडिया में से छोटे छोटे आइडियाज निकालने होंगे। सबसे पहले हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पैकेज या सर्विस चाहिए होगी जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकें
उसके बाद ऐसे एक्वायर्ड कस्टमर की इमीडिएट नेक्स्ट नीड को पूरा करने वाले प्रोडक्ट पैकेजेस या सर्विसेज डेवलप करनी होगी। साथ ही साथ बड़ा बिजनेस करने के लिए आपकी ऑडियंस भी बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी ऑडियंस के साथ काम करेंगे तो प्रोडक्ट पैकेज या सर्विसेज आप जितनी मर्जी अच्छा कर लीजिए, बिजनेस बड़ा नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट पैकेज या सर्विसेज के बारे में ये पता करना कि वो मार्केट में चलेगा या नहीं बहुत ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन वास्तव में अब ये मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट पैकेज या किसी सर्विस को वैलिडेट करना चाहते हैं या अपनी ऑडियंस का आपके किसी अपकमिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एक्चुअल रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, तो आप गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेड एड्स की मदद से बहुत ही कम खर्च में ऐसा कर सकते हैं और किसी ऐसे प्रोडक्ट पैकेज या सर्विस को लॉन्च करने से बच सकते हैं जो मार्केट में ना चलने वाली हो। ये एड्स प्लेटफॉर्म आपको अपनी ऑडियंस को चूज़ करने का मौका भी देते हैं, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को उनकी एज, सेक्स, इंटरेस्ट, डेजिग्नेशन, एरिया, पिन कोड आदि के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और तो और, अगर आपके पास अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस का डेटा भी है तो आप इसे अपलोड करके लुक ए लाइक ऑडियंस भी जनरेट कर सकते हैं। एक बार ऐड रन कर देने के बाद इन पोर्टल्स के प्लेटफॉर्म पर आप डेटा एनालिसिस भी लाइव कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने डिसलाइक किया, कितनों ने इंक्वायरी फॉर्म भरा, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद बात आती है अपने प्रोडक्ट पैकेज या सर्विसेज को प्रेजेंट करने की, क्योंकि जब तक आप अपने आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अच्छे से बताएंगे नहीं, तब तक आपकी ऑडियंस से आने वाले रिस्पॉन्स से आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास यूनिक कंटेंट, क्रिएटिव्स, टैगलाइन, सब एडिंग, वीडियोस होने ही चाहिए। इन क्रिएटिव्स, कंटेंट, टैगलाइन, सब एडिंग्स, वीडियोस को कंपाइल करके इस प्रेजेंटेशन को एक वेब पेज के रूप में आप तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट पैकेज या सर्विस का रिस्पॉन्स को कैप्चर करने के लिए ये लैंडिंग पेज काम में लिए जाते हैं। दोस्तों, अब अगर आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस को कट शॉर्ट करूँ तो मैं कहूँगा कि आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट मत करिए, शुरुआत टाइप ऑफ ऑडियंस से करिए। कस्टमर एक्विजिशन के लिए क्या प्रोडक्ट पैकेज या सर्विसेज बना सकते हैं उसके लिए आइडिया सोचिए। कस्टमर एक्विजिशन के लिए कई प्रोडक्ट मिक्स आपको वैलिडेट करने पड़ सकते हैं, उनके डिलीवरेबल बार बार चेंज करने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपके बिजनेस या स्टार्टअप को कस्टमर एक्वायर करने वाला प्रोडक्ट मिल गया तो समझो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि एक्वायर्ड कस्टमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा। वैसे तो ये सब अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे और एक दिन आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मास्टर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब करने के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई स्किल सेट डेवलपमेंट के टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। न्यू सोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड नीड्स को घर बैठे पूरा करने के लिए। सो गाइज, स्टे इन टच। थैंक यू।